दिल्ली नगर निगम के संबंध में एक बड़ा फैसला करते हुए केंद्र सरकार ने 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर को निगम के स्पेशल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। वे अगले आदेश तक निगम की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरी ओर 1998 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे 22 मई से तीनों निगमों के औपचारिक विलय के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जनता को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 10 साल के बाद किए गए निगम के एकीकरण के बाद यह पहला बड़ा फैसला आया है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर का उपयोग शुरू कर चुका है और मामला देश के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को छोड़कर उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिस कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता। तीनों निगमों के एक होने के बाद कर्मचारियों को समय पर वेतन जहां मिल पाएगा, वहीं दिल्ली की स्थिति सुदृढ़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह तो समय ही बताएगा कि दिल्ली विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा या नतीजा ढाक के तीन पात होकर रह जाएगा। नए कमिश्नर को नए मेयर, नए हाउस लीडर और नए स्थायी समिति के अध्यक्ष के चुनाव तक अपनी कार्यशैली से निगम को संभालना होगा, जो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन धरातल पर इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार निगम पर जहां सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए अतिक्रमण और भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यवाही को मुद्दा भी बना रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।